और खबर बिजनौर से। उत्तराखंड बॉर्डर पर पहुंचे एसपी, लिया कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों का जायजा। बिजनौर पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने कांवड़ यात्रा को लेकर बिजनौर हरिद्वार बॉर्डर पर स्थित रपटा पर बरसात के पानी से बचाव और कांवड़ियों की सुविधा का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। एसपी बिजनौर दिनेश सिंह व एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने हरिद्वार बिजनौर बॉर्डर पर रपटे पर बरसात के पानी से कांवड़ियों की सुविधा के लिए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और मंडावली थाना क्षेत्र अंतर्गत मोटा महादेव पुलिस चौकी व मोटा महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था, कांवड़ यात्रा व बरसात में बाढ़ से बचाव के लिए कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद के साथ जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी दिनेश सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं तथा इनके अलावा ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। बिजनौर से जिला प्रभारी सैफ मंसूरी की रिपोर्ट। डायवर्जन लागू किया जाएगा, हमारा कंट्रोल रूम तैयार हो चुका है। डायवर्जन पॉइंट से 3 किलोमीटर पहले इंडिकेटर्स होंगे, दूसरा इंडिकेटर 1 किलोमीटर पहले होगा। हमारी पूरी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, ड्रोन से भी निगरानी होगी, सीसीटीवी कैमरा से भी निगरानी होगी और पूरी सारी ड्यूटी हमारी आपसी समन्वय के साथ तैयार हो चुकी है। हमारी क्यूआरटीज भी एक्टिव रहेंगी, हमारी एम्बुलेंसेज भी एक्टिव रहेंगी और हम अन्य विभागों के साथ भी समन्वय करके जो भी शिविरों पर व्यवस्था करनी है, शिविर के व्यवस्थापकों से भी हमारी बात हो रही है और मैं कहूँगा कि हम कांवड़ यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अपने सकुशल इस कांवड़ यात्रा को संपन्न कराएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले लोकजन न्यूज और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले।